हेलो गाइस, तो आज हम प्ले कर रहे हैं एक बहुत ही टफेस्ट मुकाबला। मैच होने वाला बहुत ही ज्यादा रोमांचक, मतलब नेक्स्ट लेवल मैच होने वाला, इतना ज्यादा मजा आने वाला। तो चलिए सबसे पहले टॉस करते हैं, और टॉस यहाँ पर हम जीत पाते या नहीं देखना होगा। तो टॉस एक बार फिर से हार चुके हैं हम लगातार, ये पांचवा टॉस हम हार चुके हैं अपने पिछले मुकाबले, तो देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो जल्दी जाइए और वो भी मुकाबले इसके बाद देख लेना, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो चलिए, हमें मिल चुकी है बैटिंग, और बैटिंग करने वाले हम ढांसू तरीके से। पहला और स्पिनर से करवाएंगे, वो भाई मतलब पहली गेंद हो गया है पीछे चली गई, मतलब चलिए अगले पांच गेंदों को कर देंगे धुलाई अच्छी खासी इस गेंदबाज की। तो कोशिश करेंगे इन पांच गेंदों में ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाए, क्योंकि ये मुकाबला होना है बोला पूरे पांच ओवर का, और पांच ओवर में लगभग हमें 100 से ज़्यादा रन बनाने होंगे। मतलब क्योंकि मैंने लास्ट मैच में जब सामने वाली टीम ने बना लिए थे, मतलब 95 रन बड़े आसानी से बना लिए थे, तो इससे देखते हुए कि बहुत ही ज़्यादा धुलाई होती है इस मैचेस में, तो इसलिए हमें बड़ा टोटल यहाँ पर खड़ा करना होगा, वरना चला जाएगा मुकाबला हाथ से, और मुकाबला हाथ से जाएगा तो हो जाएंगे हम सीरीज से बाहर। तो चलिए कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा धुलाई करें इन गेंदबाजों पर, बैक टू बैक। या तो दूसरा ओवर भी स्पिनर से करवा रहे हैं, मतलब स्पिनर बोले तो अपने जैनी लोग उनकी हम अच्छी खासी धुलाई कर लेते, इस तरह से छक्के और चौके लगाते। ये मुकाबला मात्र सिक्सेस का ही मुकाबला होना है, मतलब इतनी ज़्यादा धुलाई कर देंगे ना भैया इन गेंदबाजों की, और देखना होगा वो किस तरह से हमारी धुलाई करेंगे। तो उनकी धुलाई तो हम करने ही वाले, वो हमारी धुलाई करते हैं यानी वो भी हम आगे देखेंगे जरूर। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना, और कमेंट कर दीजिए आपकी फेवरेट बिग बैश लीग की फेवरेट टीम कौन सी है। तो मतलब मैं थोड़ा बोलने में ये होगा, तो चलिए देखते आगे कौन सा होता है। अभी तो हमने बन चुके दो ही ओवर में हमने बना लिए भैया लगभग 50 रन हमने बना लिए, तो अगले तीन ओवर अभी बाकी, उन तीन ओवरों में तो मतलब लगभग हमारा मतलब करेक्ट रन रेट हमारा 23 का रन रेट है भैया। मतलब ऐसी बैटिंग आपने कहीं देखी है क्या? तो यहाँ आप देख सकते हो, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है बस, इसके लिए आपको कोई भी पैसे नहीं लगते। और इस तरह की हाफ सेंचुरी भी आपने कहीं देखी है, 12 गेंदों में बड़े आसानी से हमने बना लिया, और यहाँ पर अभी बहुत ही धुलाई होने वाली, मतलब अभी तो बहुत ज़्यादा धुलाई होने वाली भैया इन गेंदबाजों की। तो चलिए देखते हैं ये, और यहाँ पर दो चौके हमने लगाए थे इससे पहले, उसके बाद छक्का लगा स्कॉट बोलडेन। इस बार गेंदबाज इस गेंदबाज की हमें धुलाई करनी होगी अच्छी खासी। तो आखिरी दो ओवर अभी बाकी, दो ओवरों में लगभग 50 रन तो मैं बनाने की कोशिश करने वाला हूँ भैया, क्योंकि अब पिछले दो ओवर में हमने 50 रन तो बनाई थी, तो इस ओवर दो ओवर में भी हम 50 की कोशिश करेंगे। इस तरह से चौके और छक्के यहाँ पर ऐसा धोएंगे भैया, बहुत ही डेंजर तरीके से धोने वाले भैया। ओ भाई मतलब यहाँ विकेट मिल गई भैया, ये गलत शॉट हो गया, मतलब गलत सीन हो गया ये मेरे साथ। गेंद सीधी स्टंप में, उसकी 73 रन की इनिंग जरूर खेली, बट अब मैक्सवेल हमारे कैप्टन यहाँ पर आ चुके, और कैप्टन को खेलने होगी कप्तानी इनिंग। मतलब तुम्हें यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कैप्टन से तो बहुत ही खतरनाक बैटिंग करवाने वाला हो भैया इस तरह से, मतलब हर गेंद पर हिट, मतलब हर गेंद यहाँ पर स्टेडियम के अंदर ही भेजना, कुछ भी हो जाए चाहे। तो चलिए यहाँ पर आप आखिरी पांच गेंदें, और इन पांच गेंदों के साथ क्या करना है, मतलब पांच गेंदों में लगभग 30 रन तो बनाने भैया। तो पांच गेंदों में बन चुके अभी, तो यहाँ पर दो तीन गेंदें हुई और बन चुके हमारे 13 रन आखिरी तीन गेंदों में यहाँ पर, और एक छक्का, और आखिरी दो गेंदें अभी बाकी, और इन दो गेंदों का भी अश्र वही करना है, स्टेडियम के अंदर घुसा देनी है। उसके लिए तो आप लाइक ज़रूर ठोक देंगे, इतनी खतरनाक बैटिंग हो रही है भैया, तो लाइक ज़रूर ठोक देना। और नीचे हमारा रन रेट भी चेक कर लिए, लगभग 25 का रन रेट हो चुका है, और ये गया है छक्का, और इसी के साथ में हमारा रन रेट 25 के ऊपर यहाँ पर फिनिश हुआ। आखिरी ओवर में हमने बनाए पांच छक्कों के साथ में, एक सिंगल के साथ में 126 रन हमने जड़ दिया, और ग्लेन मैक्सवेल की इनिंग भैया 8 गेंद 46 रन, और 73 रन की इनिंग भी यहाँ पर देखने मिली। तो चलिए अभी आ चुके हमारी गेंदबाजी, और डेल स्टेन से करवाएंगे पहला, और पहली गेंद यहाँ पर खिलाड़ी गैप में गिरेंगे, और यहाँ पर एक बाउंड्री मिलेगी। तो पहली गेंद में चौवा निकाल लिया भैया अगली टीम ने भी, हॉबर्ट की क्या हुई यहाँ पर स्ट्राइक हुई, और हम करेंगे इस बार अच्छा यॉर कर, और यहाँ पर सिंगल भी नहीं आने देंगे भैया। तो चलिए अभी कैसी गेंद होती आ गई यहाँ पर, 27 गेंदें 122 रन चाहिए, और यहाँ पर भी सिंगल ही आएगा, मतलब अच्छी गेंदबाजी हमने की अभी तक, और इस बार यहाँ पर यॉर्कर की तो मैंने कोशिश की थी, पर इस बार फुल टॉस ही बना लिया भैया, और ये गेंद सीधी स्टेडियम के अंदर घुसा दी 6 रन के लिए। तो चलिए आखिरी गेंद इस ओवर की, और यहाँ पर ये गेंद भी जाएगी बाउंड्री के अंदर भैया, मतलब इस बार कैच हो सकता था क्या, बट नहीं हो पाया। तो चलिए ओ भाई मतलब मैंने यहाँ पर पावर प्ले की फील्ड यहाँ पर सेट किया, हमारे पास अच्छे खासे रन इसीलिए, तो यहाँ पर आसानी से 4 रन, और इस बार फिर से गैप में, और इस फील्डर को यहाँ पर बीट कर दिया भैया, तो एक और चौका निकाल दिया, और यहाँ पर फिर से धुले हो भाई, मतलब स्पिनर को यहाँ पर देख कर ये बल्लेबाज भी सोच रहे थे रन बटोर लें, क्योंकि तीन गेंदों में ओ भाई मतलब इस ओवर में बहुत ज़्यादा धुलाई होगी, तीन छक्के दो चौके और एक डबल यहाँ पर बहुत ज़्यादा धुलाई हुई भैया पिछले ओवर में हमारी। मतलब जिस तरह से हम जितने तेज रन बना रहे थे उतने तेज रन यहाँ पर हॉबर्ट की टीम भी बना रही है, मतलब हमारा हाल तो बहुत ही बुरा होने वाला है लगता है मुझे आगे।
तो चलिए इस ओवर को मैं कुछ अच्छा करने की कोशिश जरूर करूंगा। पर 3 गेंदे और 3 छक्के पड़ गए भैया। स्टॉइनिस को लेकर जरूर आया था मैं, बट यहाँ पर 3 गेंदों में 3 छक्के पड़ गए और ये चौथी गेंद और एक और छक्का मटक के 6 गेंदों में 6 का प्लान तो नहीं बना लिया भैया। मतलब ऐसा तो मुझे होने नहीं देगा, अगर ऐसा हो गया तो मतलब मैं गेंदबाजी ही छोड़ दूंगा भैया। 6 गेंदों में 6 छक्के पड़ गए और भाई मतलब 5वां छक्का भी पड़ गया। मतलब एक ही गेंद बाकी इस गेंद में, कुछ भी हो जाए छक्का नहीं जाने देना भैया, कुछ भी हो जाए। ये गेंद जी बिल्कुल सही ठिकाने पर गिरी, एक सिंगल आएगा और 31 रन पिछले ओवर से भैया। मैक्सवेल आप कैप्टन को ला चुका हूँ मैं, और अब यही मेरे आखिरी उम्मीद बची जो कैप्टन की भी तरह से हमें वापसी करवाएंगे। तो चलिए यहाँ पर 12 गेंदों में शॉट ने भी कर लिया अपने आप सेंचुरी पूरी। मतलब जितनी तेज़ हम खेल रहे थे उतना ही तेज़ खेल रहे भैया ये टीम भी। यहाँ पर क्या विकेट मिलेगी जी, बिल्कुल से हमें विकेट हासिल कर लिए मैंने और बहुत ही टफ विकेट हमें मिल गई भैया। बहुत ही बड़े बल्लेबाज को आउट किया है और एक और विकेट क्या मिल जाएगी जी बिल्कुल से। और भाई ये क्या हो रहा है, मतलब क्या कमाल का कैच ये बिल्कुल से। ये मैच के भैया इस कैच के लिए तो लाइक बनता है, जितने भी लोग वीडियो देखेंगे वो सबके सब लाइक मारेंगे भैया इस कमाल के अनबिलीवेबल कैच के लिए। मतलब गेम में भी इस तरह के कैच हमने पकड़ लिए भैया। तो चलिए यहाँ पर छक्का जरूर लगा है बट हमारी वापसी जरूर हो चुकी है। हम कह सकते हैं अगर इस ओवर धोया जाता तो ये मुकाबला हमारे हाथ से निकल सकता, बट 2 विकेट हमें हासिल कर लिए और ये मिलेगी एक और विकेट। 3 विकेट निकाल लिया भैया मैक्सवेल के ओवर में हमने, पूरे 3 विकेट, यानी कि ये मुकाबला पूरे तरीके से हमने हमारे पक्ष में कर लिया। तो आखिरी 6 गेंदे यहाँ पर और यहाँ पर 3 गेंदे और 20 रन अभी चाहिए जीत के लिए। मतलब कोई गलत गेंद में नहीं करता हो तो मुकाबला हम 1 रन से भी जीत सकते हैं अगर 3 छक्के भी लगते तो। बट यहाँ पर 1 गेंद और 14 रन टीम को जीत के लिए चाहिए और ये मुकाबले में ये जाएगा शायद 6 रन के लिए चल जाए। और फिर भी हम ये मुकाबला जीत चुके हैं, बड़े आसानी से ये मुकाबला जीत लिया भैया।